प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। दीपक मिश्रा ने कहा कि किसान आयोग के गठन किया जाए जिससे किसान फसल का लागत मूल्य निकाल सकें और देश को कर्ज मुक्त बनाने के लिए लोगों को रोजगार मिले और देश का विकास हो। इस अवसर पर धरने में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बौद्धिक सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार मिश्रा ने कहा, दीपक मिश्रा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बौद्धिक सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, हमारी मांग यह है कि किसान आयोग का गठन हो ताकि किसान अपने जो लागत है उसको निकाल सके और देश को कर्जा मुक्त बनाया जाए। कर्जे से पूरी देश कराह रही है और तो और अभी आपने गोरखपुर में देखा, एक परिवार पूरा कर्ज के नाते आत्मदाह को विवश हो गया, उसके परिवार को नौकरी दिया जाए। कल ही हमारा शिष्टमंडल जयप्रकाश जी की अगुवाई में उनसे मिला था और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई है, ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। और अगर विकास हो रहा है तो विकास कुछ घरानों में ही क्यों, आप देखिए पूरी तरफ क्या कराह मची हुई है, जिसे देखिए वह सड़कों पर रो रहा है, पत्ता पत्ता सूख गया है, सोच में डाली डाली है, कैसा बाग कमाली है। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कारवां निकल चुका है और इन सभी समस्याओं को लेकर आज हमारा शिष्टमंडल यहाँ पर धरना देने के लिए उपस्थित हुआ है। और एक बात और स्पष्ट है, अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समाजवाद को सशक्त करते हुए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए सांप्रदायिक ताकतों की शक्तियों को विनष्ट करेगी और आने वाला जो सूरज होगा वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का होगा, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का होगा, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की साझा विरासत का होगा।